कुणाल, अपने बारे में बताओ कुछ। आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको क्या पसंद है? पर माय नेम इज तो कुणाल देवरे। मैं अभी करेंटली रायपुर में पढ़ रहा हूँ। अभी मैं क्लास 10th में हूँ, CBSE बोर्ड। तो अभी क्लास 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, कब से एग्जाम्स? एग्जाम फ्रॉम मई, मई में है स्टार्टिंग फ्रॉम। यस, इस बार काफी लेट हो गए एग्जाम्स। हाँ, कैसे चल रही प्रिपरेशन? जरूरी है, ठीक चल रही है अभी। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा मेरे को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है। तो यार, आपका इंटरेस्ट कोडिंग में कैसे आया गुनाल? कोडिंग में मेरे, वैसे मेरे को लर्निंग करना पसंद था, कोडिंग प्रोग्रामिंग ये मेरे को सीखना ही था। ऐसा मेरे को इस फील्ड में जाना ही था कोडिंग प्रो, क्योंकि मैंने देखा कि क्यूरियस जूनियर इंस्टाग्राम से ऐड देखा, वहाँ से डाउनलोड किया मैंने क्यूरियस जूनियर, फिर वहाँ से अभी सीखना चालू किया। अभी बेसिक कोडिंग सीख रहा हूँ अभी वहीं से। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो अभी पहले बेसिक्स सही ढंग से समझ में आता है तो आगे समझने में आसानी होती है। तो हमने, हमारा फोकस वही है कि बच्चों को बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं आंसर करता हूँ तो बताइए, कर सकता हूँ तो बताइए। मैं पूछना चाह रहा था कि आपको ये कहाँ से आइडिया आया कि क्यूरियस जूनियर ऐप बनाना चाहिए, आप ये कहाँ से आइडिया आया? तो यार कुणाल, इसमें मतलब इसके बारे में बताता हूँ कि मैं भी एक काफ़ी छोटे शहर से हूँ, ठीक है। तो मैं सोचता था कि यार अब हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है तो अब क्या कर सकते हैं जिससे कि जो हमारे जैसे बच्चे आ रहे हैं वो भी हमारी तरह पढ़ाई करके कुछ अच्छा करे, राइट। तो उसमें ये समझ में आया कि नहीं यार, बच्चों को एम्पावर करना है, बच्चों को पढ़ाना है, राइट। और जब पढ़ाने को तो स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, पर फिर सोचा कि नहीं यार, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाएंगे तो ज्यादा लोगों को पढ़ा पाएंगे, है ना। और फिर हमने सोचा कि नहीं यार, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर सोचा कि यार कोडिंग पढ़ाते हैं ताकि बच्चे 5 साल बाद जो सब चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उसको पढ़ाते हैं, ताकि वो अभी से रॉकस्टार बन जाए। तो फिर हमने कहा कि यार कोडिंग से स्टार्ट करते हैं और वो भी मोबाइल पे करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको एंजॉय कर पाए और सीख पाए। उससे हमारा मतलब सारे बच्चे भी काफी कुछ सीखेंगे, स्ट्रॉन्गर फील करेंगे और आगे अच्छे अच्छे इनोवेशन करेंगे और इंडिया ही उससे आगे बढ़ेगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मतलब इससे मतलब ये हमारा थॉट था। मतलब आई एम श्योर आपने जो सोचा है कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उससे आप तो मतलब काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सिखाने में, आपको वो सारी एप्स बनवाने में, टेक्नोलॉजी बनाने में, वो पूरी तरीके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी नई चीज जब सीखते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को नया सीखने में, है ना। तो वो धीरे धीरे आप सीखते रहिए, रोज रोज सीखते रहिए, और मैं कहूंगा कि आप रेगुलरली सीखिए, आप एक दिन बहुत ही अच्छा कुछ कर जाएंगे, कुछ अच्छा नया टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे।